तो अगला अपने पास में है, अगर अपनों को कुछ इंसर्ट करना है, टू इंसर्ट एंट्रीज इन द टेबल, अगर हमें एंट्रीज इंसर्ट करनी है टेबल्स के अंदर, तो वो कैसे करेंगे इन द टेबल। अभी तक हमने देखा था कि जब हम टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो एम्प्टी सेट दे रहा था। अगर हम एंट्री अब उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कमांड है हमारे पास में इंसर्ट, फिर आपको इनटू इसके अंदर करना चाहते हैं इनटू टेबल नेम, सबसे पहले आपको देना है टेबल का नाम, ठीक है, फिर बाद में अपनों को देना है उसकी, बताना है कि वेरिएबल्स के बारे में, आईडी, नेम और सिटी और उनकी वैल्यूज, फिर आपको वैल्यूज आपको देनी है, जैसे आईडी तो होगी 12, एक्सक्यूज मी, और स्ट्रिंग नेम के अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो चेतन, और सिटी हो जाएगी हमारी, मान लीजिए कि मैं पिलानी से रहने वाला हूँ तो यहाँ पर हो गया पिलानी, ठीक है। तो ये हमें देना है, तो अपन देखे देखते हैं किस तरीके से होगा। सो इंसर्ट इनटू टेबल का क्या नाम है हमारा, टेबल का नाम था हमारे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें क्या क्या वेरिएबल थे, आईडी एक वेरिएबल था, नेम एक वेरिएबल है और सिटी एक वेरिएबल है, सिटी एक वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यूज पास करनी है हमें। वैल्यूज पास करनी, क्या क्या इसके अंदर, मैं 1 पास कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ नेम में चेतन, CHETN चेतन, ये एरर दिखाएगा क्योंकि स्ट्रिंग को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा से इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर पिलानी, पिलानी ने दे दिया, ठीक है, ये मेरी क्वेरी जनरेट हो गई। तो हम अब इसको देखते हैं, तो देखने के लिए हमारे पास में एक और कमांड है, अगर मेरे को टेबल देखना है तो टेबल को देखने के लिए मेरे पास में एक और कमांड है 12th नंबर का, टू टू सी द कंटेंट ऑफ टेबल, कंटेंट ऑफ टेबल कैसे देखेंगे, कमांड है हमारे पास में टू सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट, टू नहीं आएगा, सेलेक्ट ये जो स्टार है वो सभी को रिप्रेजेंट करता है ऑल, मैं इसके बारे में एक एक करके आऊंगा, मैं इसको अलग से डिफाइन करूंगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जितनी भी, इसका मतलब है जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, सो सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट से देखते हैं ना अपना क्या क्या है, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, ओके। तो देखिए मैंने आईडी एक पास किया था, चेतन और पिलानी मैंने पास किया था। अच्छा मेरे को अगर एक और डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, हालांकि इसका एक और तरीका है, अगर मैं कुछ और तरीके से करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहां पर हमारा ये जो कंटेंट है, वैल्यूज का जो कंटेंट है, ये गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट वैल्यूज टू सेकेंड नंबर पे मैं रख देता हूँ आरिस, ठीक है, और इसकी सिटी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे बिहार डाल देता हूँ यहाँ पर, या पटना डाल देता हूँ, सॉरी बिहार तो स्टेट है, पटना डाल देता हूँ, पटना डाला, और ये देखिए, तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर इस जगह पर
मैं आईडी इक्वल्स टू वन हो जाएगा, नेम इक्वल्स टू चेतन हो जाएगा और सिटी इक्वल्स टू पिलानी हो जाएगा। अगर मैं ये सीक्वेंस चेंज करना चाहूँ तो ये सीक्वेंस इसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर सेम जो सीक्वेंस में आपने जो वेरिएबल बनाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको वो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर जगह पर आप कोई भी सीक्वेंस डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं एक और क्वेरी जनरेट करना चाहूँ किसी और नाम से, सपोज मैं खुशी नाम से जनरेट करना चाहूँ, और इसका है पलवल, ठीक है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 3, क्योंकि अगर मैं 2 डालूंगा तो गलत हो जाएगा वो। एक बार मैं 2 डाल के दिखाता हूँ, तो ये बताएगा कि ये तो इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, ये पर्टिकुलर जो की है वो प्राइमरी की है। देखिए बोल रहा है कि प्राइमरी की है, तो डुप्लीकेट एंट्री इज नॉट अलाउड हियर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 3। तो अब मैं, अगर मेरे को देखना है तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट, ओके। तो मेरे पास में 3 एंट्रीज हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आईडी 3 आईडीज हैं, 1, 2, 3, और नाम चेतन, आरिज एंड खुशी, और यहाँ पर पिलानी, पटना और पलवल, मैंने 3 दे रखे हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है मेरे पास में, इफ यू वॉन्ट टू एड न्यू कॉलम हियर, अगर मेरे को आईडी और नेम और सिटी के अलावा अगर कोई एक और कॉलम ऐड करना है तो कैसे करूंगा। इफ वी वॉन्ट टू एड वन मोर कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, तो एग्जिस्टिंग टेबल अभी तक हमारे पास में एक ही है स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हमें अपेंड करना है, ठीक है, एक और कॉलम। तो कमांड क्या है इसका, कमांड है ऑल्टर टेबल। हमें टेबल को करना है ऑल्टर, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ऑल्टर करना है, और उस टेबल का नाम, जो पहले वाली टेबल है उसका नेम, और उसके अंदर ऐड किए हम एक और कॉलम, ठीक है, और उस कॉलम का नाम और डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल्टर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड, सपोज मेरे को करना है यहाँ पर कंट्री अपेंड करना है, ठीक है, कंट्री। सो कंट्री एक वेरिएबल कैर है, तो वेर कैर, और इसको कर देता हूँ मैं कुछ 100 कर देता हूँ, ठीक है, इसकी साइज हो गई 100। तो ये एक और क्वेरी जनरेट हो गई अपनी, ठीक है, और मैं अब देखता हूँ कि वो हुआ या नहीं हुआ। सो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने एक और किया है, तो ये देखिए यहाँ पर कंट्री के अंदर मैंने कुछ डेटा दिया नहीं, तो वो नल दिखा रहा है। अगर मैं उसके सारे डिस्क्राइब करने के लिए बोलूं, जितनी भी ये टेबल के डेटा टाइप्स है, तो वो निकाल के आ जाएगा अपने पास में। डिस्क्राइब स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, इस टेबल को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो ये बता रहा है आईडी है वो इंट टाइप का है, यही नेम है वो वेर कैर है, सिटी है वो वेर कैर है, कंट्री है वो भी वेरिएबल कैर है, और नल, इसके अंदर नल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया था, नॉट नल नहीं दिया था, तो वो क्या दिखा रहा है, वो यस दिखा रहा है कि वो रह सकता है, ठीक है। वही ये पर्टिकुलर सेक्शन वो दिखा रहा है कि नॉट नल, वो नल नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ आपको एंट्री देना ही पड़ेगा। हाउ टू रीनेम द कॉलम नेम, अब यहाँ पर कॉलम नेम को कैसे रीनेम कर सकते हैं, तो ये आपका एक असाइनमेंट है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, और इसके अंदर कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपके डाउट सेशन के ऊपर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसको पूरे को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा,
ठीक है, तो आपका असाइनमेंट है कि आपको ये देना है कि सपोज आपको कंट्री का नाम चेंज करना है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल नेम मैंने कंट्री दिया है इसको आप स्टेट नेम करना चाहते हो, तो वो कैसे चेंज करोगे? तो 14th मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, हाउ टू रीनेम द पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉलम नेम, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब मैं 15 नंबर का आपके लिए करने जा रहा हूँ। 15 नंबर जो है वो है टू अपडेट द कॉलम, इफ यू वांट टू अपडेट द कॉलम, जो हमने कॉलम बनाई है और उसको अपडेट करना है, सपोज टू अपडेट दी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड है हमारे पास में, अपडेट कमांड ही है। सो अपडेट टेबल का नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल नेम इज इंपॉर्टेंट, ओके, सेट कंट्री, क्योंकि नेम ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम इक्वल टू इंडिया, कोई भी मतलब कोई भी नाम दे रहे हैं हम, सपोज इंडिया दे रहे हैं, सो इंडिया कंट्री का नाम कुछ भी। अब ये तो हमने सेट कर दिया, अगर इतना डालेंगे तो देखते हैं उससे क्या होगा, ठीक है, इतना डाल के देखते हैं। मेरे को देना है कि अपडेट करना है, अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, फिर मेरे को सेट करना है जो पर्टिकुलर कॉलम है कंट्री, कंट्री इक्वल टू कर देना है मेरे को इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने किया, और 3 रोज अफेक्टेड, इसकी वजह से 3 रोज अफेक्ट हुई। कितनी नंबर रोज थी यहाँ पर देखिए, 1 2 3, 3 मैंने इंसर्ट की थी एंट्रीज, ठीक है, तो इसकी वजह से 3 रोज अफेक्ट हुई। तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, देखा तो सब में इंडिया इंडिया आ गया। अब कोई कहेगा कि यार मेरे को तो सिर्फ चेतन के लिए इंडिया देना था, आरिज और खुशी के लिए कोई और देश देने थे, इसमें कुछ और कंट्री मान लीजिए कुछ और देना चाहते हो आप, ठीक है, तो कैसे करेंगे अपडेट? तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा, वेयर आई डी इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने 2 दे दिया, ठीक है, या 2 और इंडिया की जगह मैं कर देता हूँ इसको अमेरिका कर देता हूँ, अमेरिका, ठीक है, सो सेकंड वाले में अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए 1 रो इज अफेक्टेड, यहाँ पर सिर्फ एक ही रो अफेक्ट हुआ, तो आप समझ पा रहे हो कि वेयर क्या हो गया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज हो गया। यहाँ पर वेयर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन बना रहे हैं कि जहां पर आईडी आपको 2 मिले उस पर्टिकुलर कंट्री वाले सेक्शन को आप क्या कर दीजिए, अमेरिका कर दीजिए, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। तो बाकी सब देखते हैं, पर देखिए ये पर्टिकुलर सेकंड नंबर की जो आईडी वाला है उसकी कंट्री क्या होगी, अमेरिका होगी, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब सेम रहे। अगर मेरे को थर्ड वाले को क्या करना है, अगर इसको मान लीजिए मेरे को ऑस्ट्रेलिया करना है, श्रीलंका करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, वेयर पीछे का वैसे रहेगा, आईडी इक्वल टू 3, और इंडिया की जगह हटाकर क्या कर दूं मैं, श्रीलंका कर देता हूँ, मान लीजिए श्रीलंका, इसको कैपिटल कर देता हूँ श्रीलंका, और फिर मैं देखूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए, चेतन इंडिया से है, आरिस अमेरिका से है, खुशी श्रीलंका से है। सिटी भी इसी तरीके से, अगर मैं सिटी को अपडेट करवाना चाहूँ या इनके नेम अपडेट करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार वेयर आईडी 3 करके ही होगा क्या, नहीं, चेतन से भी कर सकते हो आप, अगर चेतन नाम डुप्लीकेट नहीं है तो इससे भी कर सकते हो आप। मान लीजिए कि मेरे को नेम इक्वल टू चेतन करना है, नेम इक्वल टू
चेतन कर रहा है, तो जहां पर भी चेतन होगा वो सारे अपडेट हो जाएंगे। जहां जितने भी चेतन होंगे, अमेरिका मैं डबल ए कर देता हूँ, है ना, तो इस अमेरिका की जगह देखिए आप, चेतन वाले में इंडिया है, वहां पर अब अमेरिका आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया अमेरिका, यहाँ अमेरिका और ये श्रीलंका। सो आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितना हो सके उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए कि अगला जो आपका कमांड है वो है 16 नंबर का कमांड है, वो है टू डिलीट पर्टिकुलर रो। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास में कमांड है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, नेम ऑफ द टेबल, ठीक है, वेयर, कोई भी पर्टिकुलर रो जहां पर कॉलम की वैल्यू हम डालकर कॉलम इक्वल्स टू वैल्यू कर देंगे। ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल नेम, कॉलम वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे को थर्ड नंबर की कॉलम डिलीट करनी है, यहाँ पर आ गया हम डिलीट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, हमारा टेबल का नाम है, और हमने दिया वेयर, आईडी मैंने पास कर दी। मान लीजिए मेरे को सेकंड नंबर को डिलीट करना है, ठीक है, सेकंड नंबर को डिलीट किया, देखो वन रो इज अफेक्टेड, यहाँ पर एक ही रो अफेक्ट हुई है। अगर मैं देखूँ मेरी, तो एक और तीन नंबर की जो आईडी है वो वैसे रिमेन सेम रही, और बाकी जो पहले वाला है वो डिलीट हो गया। अगर मेरे को फिर से वो लाना है, फिर से उसको वो करना है, तो फिर से उसके लिए इंसर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो जो मैंने इंसर्ट बताया था आपको वो आपको करना पड़ेगा। ये मैंने इंसर्ट किया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉलम डज काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट अर रो वन। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर आईडी नेम, और अच्छा ये यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये चला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो गए। तो इस बार मेरे को यहाँ पर इंडिया भी कंट्री का नाम भी मेरे को डालना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेंज हो गए। वन चेतन पिलानी एंड इंडिया, क्या दिक्कत बता रहा है? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट द रो वन। सो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी ये दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर भी मेरे को सिटी के साथ में क्या करना पड़ेगा, कंट्री करना पड़ेगा, नहीं ये एरर दिखाएगा। ये कह रहा है कि ये डुप्लीकेट एरर है। एक और चीज ये कह रहा है कि ये डुप्लीकेट है, वन पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जगह पर मेरे को टू डालना पड़ेगा, टू, और यहाँ पर मैं आर ही दे देता हूँ क्योंकि मैंने सेकंड वाला डिलीट किया था, तो आर इस, और वो था पटना से, तो पटना, और ये हो गया, इस बार ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस सेलेक्ट करके मैं सारे देख लूंगा, तो यहाँ पर 1 2 3 जो कि एंट्रीज है वो रीस्टोर होगी। तो मैंने आपको डिलीट भी बता दिया और उसको फिर से इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तो अप टू हियर आई होप यू हैव क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्लॉजेस के बारे में। तो जितने भी नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा, इम्पोर्टेंट क्लॉजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में क्लॉज है वो है वेयर। सो वेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेयर एक तरीके से कंडीशनल क्लॉज भी है, जहां पर वेयर आया ये एक तरीके से कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। जैसे इफ एंड एल्स होता है आपका, वैसे ही आपका वेयर होता है। इट इज द टाइप ऑफ क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन पुट द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स द पर्टिकुलर रो।
सपोज इफ वी वॉन्ट टू रिट्रीव समथिंग, ओके, अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो को रिट्रीव करना है, वो रो रिट्रीव करनी है जहाँ जिसकी सिटी पिलानी हो, ठीक है, तो मैं कर दूंगा सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। ये यहाँ पर स्टार है ऑल कॉलम्स के लिए, यहाँ पर मैं केवल अगर नेम दूंगा तो भी वो चलेगा, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वेयर, जहां पर जो आपकी सिटी है वो मान लीजिए आपकी पिलानी है, पिलानी है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सिर्फ पिलानी वाला हो जाएगा। अगर यहां पर है ना, मैं दो तीन चीजें और इंसर्ट कर लेता हूं, मैं लगे हाथ यहां पर इसको कर देता हूं चार, आरएस की जगह पर विक्रम कर देता हूं मैं, विक्रम, और विक्रम ही अपना है पिलानी, जिस पिलानी से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो भी एक इंडियन है, और एक और दे देता हूं मैं पांचवें नंबर पे प्रमोद, और ये भी पिलाने से, और ये भी एक इंडियन है बस। तो मैं सबसे पहले अपना डेटा देख लेता हूँ, तो अब मैं उस उनको रिट्रीव करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ पिलानी से बिलोंग करते हैं, जिनकी सिटी पिलानी है, सारी उनका सारा डेटा चाहिए, उन लोगों का सब सारा डेटा चाहिए जो लोग पिलानी से बिलोंग करते हैं। तो इस बार मैंने दिया आईडी है 1, 4 और 5, चेतन विक्रम एंड प्रमोद बिलोंग टू पिलानी कंट्रीज की अमेरिका। अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया ही है, अपडेट करके मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट CUNTRY कंट्री, और यहाँ पर कंट्री को मैं कर देता हूँ इंडिया, इंडिया जहां पर वेयर, वेयर यहाँ पर भी देखिए वेयर यूज कर रहा हूं मैं, वेयर आपकी जो नेम है, नेम मान लीजिए चेतन को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो चेतन की कंट्री को अपडेट करना है मेरे को, और ये मैंने अपडेट कर दिया, तो इस बार मैंने जितने पिलानी वाले हैं सब इंडियन है, ठीक है, तो कंट्री सबकी क्या आ गई, इंडियन आ गई, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब अपना अगला जो क्लॉज है वो है हमारा ये अलायस, अलायस कॉन्सेप्ट। अब आप पूछोगे अलायस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपने C++ पढ़ी है तो आप अलायस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। सो अलायस कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं एस को, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे को स्कूल में चेतन नाम से बोलते हैं, मेरा घर का नाम मान लीजिए कि बनी है, ठीक है, तो घर पे मेरे को सब बनी बोलते हैं, तो चेतन एस बनी, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर चेतन ना बोलकर अगर बनी नाम से बोलना है, ठीक है, तो मैं अलायस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ कि बंदा एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग नाम से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, एज लगाकर, ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड अब मैं इसका एक कमांड आपको बना के दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड, सो मैं इसका कमांड लिखता हूँ, इसका कमांड बहुत ही इजी है, कमांड है, मान लीजिए कि आपको सिटी को ही रिट्रीव करना है, ठीक है, सेलेक्ट नेम एस, नेम को आपको करना है यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम कैपिटल लेटर में, यूजर नेम, और कॉमा लगाकर सिटी को आपको करना है सिटी एज सिटी नेम, टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से, सो ये हो गया आपका अलायस कॉन्सेप्ट। सो सेलेक्ट सबसे पहले आपका नेम एज
वही सिटी एज किस नाम से, सिटी नेम, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से। सो ये आ गया यूजर। देखिए यहां पर क्या था, नेम था, यहाँ पर क्या है, यूजर नेम है, यहाँ पर था सिर्फ सिटी, यहाँ पर आ रहा है सिटी नेम। सो ये हो गया अलायस कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यू कैन डू इट। अच्छा एक और चीज आपने ध्यान दी हो, इस बार मैंने स्टार नहीं लगाया था, तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। स्टार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको। अगर आप स्टार नहीं लगा रहे हो तो आपको वन बाय वन कॉलम सारे देने पड़ेंगे। अगर मेरे को सपोज मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ तो मेरे को नेम बताना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को आईडी चाहिए तो आईडी वाला कॉलम चाहिए, पूरा पूरा नेम चाहिए मेरे को, सिटी चाहिए मेरे को, कंट्री नहीं चाहिए तो फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिर्फ तीन ही ये रिट्रीव किए। अगर मेरे को सिर्फ अकेला आईडी चाहिए, सो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ, सॉरी ये सेलेक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। और ये जितनी भी आईडीज हैं, पांच रोज हैं इस पर्टिकुलर सेट के अंदर, वो हमें रिट्रीव करके दे दिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, अगर आप पर्टिकुलर नेम सिटी और वो चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि सेलेक्ट आप आईडी नेम और कंट्री चाहते हो, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, जहां पर वेयर, वेयर लगाकर, देखिए वेयर जो आपकी कंट्री है वो क्या है, इंडिया है मान लीजिए, सिटी पिलानी मान लीजिए, यहाँ पर सिटी क्या है, पिलानी है, तो ये पिलानी वालों की जितनी भी ये हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी, सिर्फ आईडी मांगी थी तो आईडी रिटर्न हो गई, नेम मांगा था तो नेम रिटर्न हो गया, कंट्री मांगी थी तो कंट्री रिटर्न हो गई। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। If you have any doubt regarding this, you can comment it. So, मैंने आपको एक और क्या समझाया है, स्टार समझाया है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम्स को, तो उसमें आपको उसके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वी कैन यूज स्टार ओनली। सो स्टार मैंने बहुत जगह यूज किया है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चौथा है आपका डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट एक फंक्शन है, डिस्टिंक्ट यहां पर नेम, जैसे टाइप ऑफ कॉलम दे दिया आपने, उसका नेम ऑफ द कॉलम दे दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, सो टाइप ऑफ कॉलम, जो भी कॉलम है आपका उसका नेम दे दिया, जैसे टाइप से मतलब है यहाँ पर उसका नाम से, ठीक है। सो ये अपना एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, इसका पैरामीटर जो हमें पास करना पड़ेगा और नेम ऑफ द कॉलम हमें पास करना पड़ेगा, इज अ फंक्शन फॉर different variety of variable associated with it, different variety of variables associated with it। मान लीजिए कि आपका आईडी है, तो आईडी के साथ में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो वो सिर्फ उसी को रिट्रीव करेगा, ठीक है। वहीं आपके पास में है नेम, सो नेम से कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट है, जो चेतन हो गया, आरिज हो गया, प्रमोद हो गया, विक्रम हो गया और खुशी हो गया, सो सिर्फ इन्हीं को रिट्रीव करेगा, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे काम करता है। इसका कमांड है सेलेक्ट
ये कहाँ देंगे हम? ऑफ कोर्स जहां पर कॉलम के स्टेज पे जगह पे ही हमें ये देना पड़ेगा, तो डिस्टिंक्ट जहां पर हम कॉलम देते थे वहीं पे हमने देना पड़ेगा। हम देखते हैं कौन से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमारे पास में, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में कौन कौन से डिफरेंट नेम्स है। तो देखिए चेतन एक डिफरेंट नेम है, आरिस है, खुशी है, विक्रम है, प्रमोद है, तो ये पांच डिफरेंट नेम्स हमारे पास में है, तो उनको इसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो 5 रोज इन दिस पर्टिकुलर सेट, तो ये डिस्टिंक्ट नेम के नाम से एक सेट बन रहा है जिसके अंदर 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 5 रोज है हमारे पास में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान रखिए। इसका मैं कमांड लिख देता हूँ, यहाँ पर कमांड है इसका, सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम, यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट फंक्शन दे रहे हैं और वहां पर वेरिएबल का नेम, जो भी हमारा कॉलम का नेम है वो हमने दे दिया, फ्रॉम टेबल का नेम, तो टेबल का नेम यहाँ पर है हमारे पास में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने पास कर दिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हमारे पास में अगला जो 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे जो क्लॉज है वो है हमारे पास में एंड। सो ये एक नल के अंडर में ही आते हैं, एंड और नॉट। सो एंड कहाँ दिखाता हूँ, एंड और दोनों ही क्या पास करते हैं, 0 और 1 पास करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये C++ में आपने, सी और C++ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू कंडीशन, दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए ये यूज होता है। अगर बोथ द कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट, देन ओनली इट विल रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि आप ऐसे लोग चाहते हो लिस्ट के अंदर से जो पिलानी से बिलोंग करते हो और कंट्री उनकी इंडिया हो, ठीक है। सो सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी जो है उनकी वो तो है पिलानी होनी चाहिए, पिलानी होनी चाहिए, और एंड कंट्री उनकी इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लोग हैं चेतन, विक्रम एंड प्रमोद, इनकी सिटी पिलानी और कंट्री इंडिया है, ठीक है। सो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही वो रिट्रीव करेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सपोज यहाँ पर इंडिया का मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम पूरी मैथमेटिक्स चल रही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। इसी के जैसे आपका और में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं पहले कमांड लिख देता हूँ, एमडी कमांड। सो ये है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सो वेयर के आगे, क्योंकि वेयर केवल कंडीशंस के लिए यूज होता है, तो वेयर के आगे मैंने लगाया सिटी इक्वल्स टू इंडिया, सिटी इक्वल्स टू पिलानी, और एंड सॉरी एंड कंट्री इक्वल्स टू इंडिया मैंने डाल दिया। तो ये आप हैंड्स ऑन करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, प्लीज आप साथ साथ में लिखते रहिए। ये सारे नोट्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके। 5वें नंबर पे अपने पास में और, सो और क्या है, सेम एंड की तरह ही है, और ऑपरेटर है हमारे पास में वो सेम और की तरह ही है। सो इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू कंडीशन, ये भी दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन व्हेन
आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। मान लीजिए कि आप या तो इंडिया से हो या तो पिलानी से हो, ऐसे लोग चाहिए आप, ठीक है। तो आपने कमांड लिखा सेलेक्ट, जितने भी उनके रोज हैं सारा डेटा चाहिए हमें फ्रॉम स्टूडेंट से, हमें सिर्फ कंडीशन वाले सेक्शन में लिखना है। सो वेयर, कंडीशन के लिए हम वेयर लगाएंगे, सिटी या तो सिटी हो उसकी पिलानी हो भाई, ठीक है, या फिर वो इंडिया से बिलोंग करता हो, या कंट्री उसकी हो इंडिया हो, तो उस दोनों ही कंडीशन में हमें वो सारे लोग चाहिए, तो उनका डेटा चाहिए। तो मैं लिख के देखूंगा क्या आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका स्टूडेंट से, STUDENT स्टूडेंट, वेयर कंडीशन लगाकर सिटी इक्वल टू पिलानी, एक सेकेंड, पिलानी मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना है, एंड की जगह मेरे को क्या लगाना है, और लगा बस। तो यहाँ देखिए आप, पांचों के पांचों लोग या तो पिलानी से बिलोंग कर रहे हैं, या तो उनकी सिटी पिलानी है या फिर उनकी सिटी कंट्री है, पांचों नहीं यहाँ पर चारों। यहाँ पर मैंने एक डिलीट कर दिया शायद, थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि उसके अंदर मैंने कंट्री अलग डाली होगी। तो देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं सारे जितने भी हैं, मैं एक बार सारा डेटा आपको दिखाता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। तो सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ये देखिए श्रीलंका वाला पोर्शन खुशी नहीं है, ये उसके उसको छोड़कर सब लोग आ गए हैं। तो ये वो लोग हैं या तो उनकी कंट्री इंडिया है या तो उनकी कंट्री सिटी उनकी पिलानी है, तो उनका सारा डेटा यहाँ पर इसने रिट्रीव कर दिया है। अगर हम कोई कंडीशन नहीं देंगे तो वो सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमें रिप्रेजेंट करके दिखा देगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, एंड थैंक यू अप टू हियर। अगर आपको एक भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।